नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रयोगशाला सहायक के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। डायरेक्ट भर्ती है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा आपका। सीधी भर्ती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आप नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, योग्यता क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, चयन किस प्रकार से होगा, आवेदन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन की आसानी से मिल सके। तो चलिए, यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। हम आपको वीडियो के एंड में यही बताएंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शासन मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के 5 पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सहायक ग्रेड 3 के 4 पद, 3 पद देखने को मिल जाएंगे, 4 पद स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर के देखने को मिल जाएंगे आपको दोस्तों, और यहाँ पर 1 पद प्रयोगशाला सहायक के देखने को मिल जाएंगे। कुल यहाँ पर 12 पदों पर ओपन पदों पर कुल 12 ओपन पदों पर भर्ती हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती हेतु चयन, डायरेक्ट सीधी भर्ती होगी आपकी। मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल संस्था के निःशक्तजनों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 के संबंध में यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज विश्लेषक, दृष्टिबाधित हैं, बहरे और कम सुनने वाले लोग इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। लोकोमीटर जो है वो आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्रयोगशाला में देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर में देख सकते हैं, सहायक ग्रेड 3 में देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। अब बात कर ले सैलरी की, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो चयन सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को वेतनमान आपको न्यूनतम वेतनमान 32,800 रुपए से लेकर 1,36,000 रुपए तक दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए सहायक बीज प्रमाणीकरण की? स्नातकोत्तर आपके कंप्लीट होना चाहिए, स्नातकोत्तर कृषि विशेषज्ञता में होना चाहिए, इसमें से कोई कृषि विशेषज्ञता में होना चाहिए। ठीक है, और प्लांट वीडिंग एंड जेंटेन एग्रोनॉमी पादक कार्य की, इन तीनों में से किसी में भी आपकी स्नातकोत्तर होनी चाहिए। चयन की अगर बात करें तो मेरिट सूची का निर्धारण किस प्रकार से आपकी मेरिट सूची बनेगी? स्नातोत्तर कृषि में प्राप्त CGPA का 80% तथा स्नातोत्तर कृषि के संबंधित विषय में PhD उपाधि पर 20 अंक, इस कुल प्रकार 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान है तो स्नातोत्तर उपाधि में अधिक अंक प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ देखिए मेरिट सूची किस आधार पर बनेगी वो भी आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अगर बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 की, तो न्यूनतम वेतनमान आपका 19,500 से 62,000 रुपए तक रहेगा, जो कि लेवल 4 की आपको वेतनमान दिया जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हायर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र में साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी 20 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से टाइपिंग की दक्षता आपके पास होनी चाहिए। मेरिट सूची की किस प्रकार से तैयार होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं में 50% अंक CPCT में 50% अंक टोटल 100 अंक का होगा। परीक्षा में समान अंक आयु और ये आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको क्या न्यूनतम योग्यता चाहिए कि 19,500 से 62,000 रुपए आपको वेतनमान जो है वो दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता इसमें सेम देखने को मिल जाएगी, मेरिट सूची भी सेम देखने को मिल जाएगी। अगर हम प्रयोगशाला की बात करें, प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो वेतनमान इसमें सेम देखने को मिल जाएगा, 19,500 से 62,000 लेवल 4 का वेतनमान आपको दिया जा रहा है। न्यूनतम योग्यता इसमें चेंज हो चुकी है कि इसमें न्यूनतम योग्यता विज्ञान विषय लेकर वनस्पति समूह से हायर सेकेंडरी स्कूल 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, मेरिट सूची सभी के सेम आधार पर बनी जाएगी। अगर हम बात करें चयन है तो सामान्य निर्देश यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें तो चयन आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को अपने आवेदन एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया था उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व में प्राप्त आवेदन को भी विचार क्षेत्र में रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो आवेदन पत्र में पैसे जो है वो GST आवेदन शुल्क जो रहेगा 250 रुपए प्लस GST रहेगा। ठीक है, आप जो कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।
सभी पदों के अलग अलग मेरिट सूची बनाई जाएगी। अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के निर्धारण प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कोई भी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि के बाद अगर जारी किए जाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और आपका जीवित मध्य प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा दोस्तों आपके 21 वर्ष से मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष वर्गों के लिए 18 से 45 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी भी स्थिति में सही प्रकार की छूट मिलाकर आवेदक आवेदिका की आयु 45 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में मान्य की जाएगी। किसी बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया का संशोधन स्थगित निरस्त करने का अधिकार प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के पास रहेगा। अंतिम वरीयता सूची एवं अंतिम चयन सूची का निर्धारण प्रकाशन एमपी ऑनलाइन निर्धारित मापदंड में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी विचार क्षेत्र में रखा जाएगा। अगर आपने पहले इसमें आवेदन किया है तो आपको डबल से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पूरा एक बार अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो एक बार पूरा नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा दोस्तों। पूरा नोटिफिकेशन रीड करने के बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा, ठीक है। आप अब देख लेते हैं कि इसे डाउनलोड नोटिफिकेशन डाउनलोड कहाँ से करना। तो सबसे पहले आपको चले जाना है कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना। कोई सा ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना iformmponline.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं iformmponline.in। यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसे कट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी MPSSC सर्टिफाइड कंपनी है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीपल पोस्ट फॉर दिव्यांगजन, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 9/12/2024 से। डायरेक्ट अप्लाई लिंक दिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको आपके वो बनानी पड़ेगी आईडी। अगर आप इसमें आपने कोई सा पहले भी आवेदन किया है तो आप इसमें डायरेक्ट लॉगिन कर कर इसमें आवेदन कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो कमेंट कर जरूर बताइए। इसमें बताएंगे कि आप आईडी किस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन के लिए आपको वापिस से आ जाना है आई फॉर्म के होम पेज पर। उसके बाद यहाँ पर आपको हम यहाँ पर वापिस चले जाते हैं। इस पर आपको आने के बाद वापिस होम पेज पर आ जाना है। डबल से हम ओपन कर लेते हैं, बेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई फॉर्म ओपन कर लिया है। फिर से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको फिर से कट कर देना और यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल बुक, ठीक है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो अभी नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है अपलोड नहीं किया गया नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर, इसलिए आपको रूल बुक पर जाना होगा। रूल बुक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश सीड द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बिगम बीज प्रमाणीकरण संस्था B2 ऑफिस कॉम्प्लेक्स गौतम नगर से यह आवेदन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही नई अपडेट लेकर जल्द आपके लिए आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। धन्यवाद।